हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज पार्ट 9। ठीक है, ये इसके पहले हमारे पार्ट 8 आ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हुए, जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स है SBIPO, NIACL, असिस्टेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, PO जो देना बैंक, PO मणिपाल के जो एग्ज़ाम्स है आपके, और जो भी एग्जाम्स है अभी आपके जून जुलाई में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का अपडेट मिले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ पहले इसे भी लाइक कीजिए। दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसका आंसर है दोस्तों बी सुनैना सिंह। ठीक है, सुनैना सिंह जो है, इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, और जो वहाँ के चांसलर है उनका नाम है, ये जो है हमारे ए ऑप्शन जो है, डॉक्टर विजय पी भटकर जो है, ये वहाँ के चांसलर है। ठीक है, अभी वाइस चांसलर जो है सुनैना सिंह। डॉक्टर विजय भटकर जो है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड अक्लेम साइंटिस्ट, इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो दो चीज़ें जरूर याद रखिए, अभी न्यू वाइस चांसलर जो है वो है सुनैना सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हु हैज़ बिकम द न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है दोस्तों, अब उसका आंसर है डी, नवरंग सैनी। ठीक है, नवरंग सैनी जो है, डॉक्टर नवरंग सैनी हैज़ टेकन चार्ज एज न्यू होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, Who has won the 2017 men singles Miami Open tennis tournament? Who has won the 2017 men singles Miami Open tennis tournament? और इसका आंसर है दोस्तों ए, रॉजर फेडरर। ठीक है, रॉजर फेडरर ने ये टूर्नामेंट जीती है दोस्तों, और इन्होंने राफेल नदाल को हराया इसी में। ठीक है, राफेल नदाल को हरा के रॉजर फेडरर ने ये जो मेन सिंगल्स मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 की जीती है। सो रॉजर फेडरर वन दी 2017 मेन सिंगल्स मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट देखते, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है दोस्तों BP कनुंगो। ठीक है, BP कनुंगो जो है, ये अभी न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे RBI में ही। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही सक्सेडेड आर गांधी, और ये जो उनका कार्यकाल है 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज बिटकॉइन एंड डिजिटल करेंसीज एज लीगल मनी। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज बिटकॉइन एंड डिजिटल करेंसी एज लीगल मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये किया है जापान कंट्री ने। ठीक है, हमारा आंसर है डी, जापान। जापान हैज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज बिटकॉइन एंड डिजिटल करेंसीज एज लीगल मनी। जापान हैज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बिटकॉइन एंड डिजिटल करेंसीज एज लीगल मनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2016। हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2016, और इसका आंसर है दोस्तों ए, विराट कोहली। ठीक है, इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली हैज़ बीन ऑनर्ड एज द विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2016। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसिडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसिडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, और इसका आंसर है दोस्तों राजीव चंदर। ठीक है, डी, राजीव चंदर। राजीव चंदर जो है 1983 बैच के IFS ऑफिसर है। ठीक है, इनको अभी ये ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसिडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई नगर पालिका है। ठीक है, टू प्रोवाइड म्यूनसिपल सर्विस ऑनलाइन, और इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई नगर पालिका ऐप टू प्रोवाइड म्यूनसिपल सर्विसेज ऑनलाइन। नेक्स्ट देखते, Who has clinched the 2017 Women's Singles India Super Series Tournament? Who has clinched the 2017 Women's Singles India Super Series Tournament? उसका आंसर है दोस्तों PV सिंधु। पी वी सिंधु ने जीता है, और इन्होंने जो कैरोलिना मैरिन है, ठीक है, इनको हरा के ये टूर्नामेंट जीती है। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये हुई थी। सो
पीवी सिंधु हैज क्लीन दी 2017 वुमेन सिंगल्स इंडिया सुपर सीरीज टूर्नामेंट। इसके साथ आपको बता दोस्तों, हमारी करंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2017 करके एक वीडियो आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसमें जो भी स्पोर्ट्स के अब तक इवेंट जो हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक, तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, और इसका आंसर है दोस्तों ए वंजना सरना। ठीक है, वंजना सरना, अब इन्होंने जो है शी सक्सीडेड नजीब शाह, इतना भी याद रखिए। ठीक है, ये 1980 की बैच की ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की। ठीक है, दी सी बी ई सी इज द अपेक्स बॉडी फॉर फ्रेमिंग पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹21,000 टू फैमिलीज फॉर थर्ड गर्ल चाइल्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹21,000 टू फैमिलीज फॉर थर्ड गर्ल चाइल्ड, और इसका आंसर है दोस्तों बी हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹21,000 टू फैमिलीज फॉर थर्ड गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द 2017 यूनेस्को या गुलिरुंपो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, 2017 का कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला है, मिला है दोस्तों दाविद इसाक को, जो है सी हमारा ऑप्शन है, सी दाविद इसाक इनको ये मिला है। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर, ठीक है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसका आंसर है हमारा विच कंट्री, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, और इसके साथ म्यांमार जो है इस प्रोग्राम की 7th नंबर की कंट्री बनी है। ठीक है, ये भी याद रखिए, म्यांमार हैज़ बिकम द 7th मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जापान विल प्रोवाइड हाउ मच ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल 2017। तो जापान जो है दोस्तों ये देने वाला है 371 बिलियन येन। ठीक है, हमारा आंसर है डी 371 मिलियन येन, जो कि अप्रोक्सीमेटली होते 21,590 करोड़ होते हैं अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट देखते, Which city has become the first Indian city to offer 1 Gbps wired broadband internet service? Which city has become the first Indian city? ठीक है, first Indian city to offer 1 Gbps wired broadband internet service? और इसका आंसर है दोस्तों बी हैदराबाद। हैदराबाद city has become the first Indian city to offer 1 Gbps wired broadband internet service. Next देखते हैं, दी नट की नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दी तंग की नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, और इसका आंसर है दोस्तों ए नागालैंड। ये जो तंग की नेशनल पार्क है ये है नागालैंड में। नेक्स्ट देखते, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, और इसका आंसर है दोस्तों बी इंदिरा बैनर्जी। इंदिरा बैनर्जी जो है उनको मद्रास हाईकोर्ट का न्यू चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते, Which country has become the first NATO member to launch self-contained cyber command unit? ठीक है, Which country has become the first NATO member to launch self-contained cyber command unit? और इसका आंसर है दोस्तों ए जर्मनी। जो है जर्मनी बनी है, जर्मनी बिकेम द फर्स्ट NATO member to launch self-contained cyber command unit, which is designed to shield IT and weapon systems from growing attacks. Next देखते हैं, Who will become the chairman of the newly constituted National Board of for Electric Mobility? Who will become the chairman of the newly constituted National Board for Electric Mobility? और इसका आंसर है दोस्तों गिरीश शंकर, ए गिरीश शंकर। गिरीश शंकर has become the chairman of the newly constituted National Board for Electric Mobility. Which renowned personality has won the NTR National Film Award for 2012 year? ठीक है, Which renowned personality has won the NTR National Film Award for year 2012? और इसका आंसर है दोस्तों SP बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, बी SP बाला सुब्रमण्यम, इनको 2012 के लिए, और हेमा मालिनी जो है इनको ये 2013 के लिए
रिनाउन किया है। इट कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ ₹5 लाख एंड अ सिटेशन। नेक्स्ट देखते विच हाई लेवल कमिटी हैज़ बीन सेटअप टू एग्जामाइन वर्किंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, विच हाई लेवल कमिटी हैज़ बीन सेटअप टू एग्जामाइन वर्किंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसका आंसर है दोस्तों अरविंद पनागरिया कमेटी। ठीक है, अरविंद पनागरिया कमेटी हैज़ बीन सेटअप टू एग्जामाइन वर्किंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट देखते हु हैज़ वन द 2017 इक्वेडोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, हु हैज़ वन द 2017 इक्वेडोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इसका आंसर है दोस्तों बी लेनिन मोरेनो। इक्वेडोर का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीता है लेनिन मोरेनो का। और इसी के साथ बता दो जो है इक्वेडोर का कैपिटल है दोस्तों क्यूटो है। ठीक है, और करेंसी है वहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। ठीक है, इक्वेडोर का कैपिटल है क्यूटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट देखते हु हैज़ वन द 2017 सर्बियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हु हैज़ वन द 2017 सर्बियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इसका आंसर है दोस्तों डी अलकेसेंडर विसिन। ठीक है, अलकेसेंडर विसिन इन्होंने जो है सर्बियन प्रेसिडेंट जो अभी जो नियुक्त किए प्रेसिडेंट है सर्बियन प्रेसिडेंट है उनका नाम है अलकेसेंडर विसिन। और इसी के साथ बताता हूँ आपको कि वहाँ सर्बिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो है बेलग्रेड। ठीक है, और सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन दी वाडाज एंटी डोपिंग रूल वायोलेशंस रिपोर्ट फॉर ईयर 2015। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन दी वाडाज एंटी डोपिंग रूल वायोलेशंस रिपोर्ट फॉर ईयर 2015। और इसका आंसर है दोस्तों थर्ड। इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक आती है वो थर्ड आती है। फर्स्ट आती है दी लिस्ट इज टॉप बाय रशिया फॉलोड बाय इटली थर्ड इंडिया फोर्थ आती है फ्रांस फिफ्थ आती है बेल्जियम। ठीक है, जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ गुजरात। और इसका आंसर है दोस्तों गीता जोहरी। ठीक है, गीता जोहरी जो कि हैज अपॉइंटेड दी फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। और इसी के साथ मैं बताता हूँ आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रीतिका यशिनी। ठीक है, प्रीतिका यशिनी हैज़ बिकम दी इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर पुलिस इंस्पेक्टर इन तमिलनाडु। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, और इसी के साथ थर्ड वाला एक है कि तनुश्री परीक जो है बिकम दी फर्स्ट वुमन फील्ड ऑफिसर इन दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमने हमारे पिछले वाले पार्ट में देखा था। ठीक है, तनुश्री परीक जो है वो बिकम दी फर्स्ट वुमन फील्ड ऑफिसर इन दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, वो एक चीज़ याद रखिए। सेकेंड वाला जो ये जो क्वेश्चन है गीता जोहरी हैज़ बीन अपॉइंटेड दी फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। ठीक है, और थर्ड वाला ये याद रखिए। ठीक है, प्रीतिका यशिनी हैज़ बिकम दी इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर इन तमिलनाडु। ठीक है, हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ पे जो लोगो आता है उसके ऊपर क्लिक करके जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।